अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पुलिस लाइन में। आज आरपीओ भावलपुर और डीपीओ भावलपुर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके अंदर लाखों रुपए मालियत की रिकवरी का यहां पर दिखाया गया कि जिसमें मोटर बाइक भी यहां पर मौजूद थे और रिकवरी भी मौजूद थी। SHO आज़म साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, थाना सदर से हैं। सर, क्या रिकवरी आज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वहीद भाई, जहाँ तक सर्कल यजमान का तल्लक है तो यजमान में एक परवेज उर्फ पेजा गैंग हमने गिरफ्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद इनको चालान किया है। असल में ये आखिरी 3-4 माह में यजमान में सरका बिल जबर और मवेशी चोरी की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था और ये 5 मुलजमान इस गैंग में हमने गिरफ़्तार किए हैं। और ये मुलजमान सिर्फ डिस्ट्रिक्ट भावल नगर नहीं, डिस्ट्रिक्ट भावल नगर के अलावा लाहौर, मुल्तान, रिहाड़ी, भावल नगर और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अजला में ये मफरूर थे और दूसरे अजला को भी ये मुलजमान मतलूब थे। इनको गिरफ़्तार किया गया और तकरीबन 25 लाख के करीब इनसे जो है नकद रकम बरामद की गई है और 8-10 का जानवर और इनकी वो गाड़ी जिस पर ये मवेशी चोरी करते थे और सरका बिल जबर की वारदातों के दौरान जो ये बड़ा असला इस्तेमाल करते थे क्लाशनकोव राइफ़ल्स, इसमें 2 अदद राइफ़ल क्लाशनकोव्स हैं और इसके अलावा पिस्टल और दूसरा वेपन भी अल्हम्दुलिल्लाह बरामद हुआ है। जी सही फरमाया, जैसे कि बहुत बड़ी रिकवरी भी हो चुकी है और तमाम मामला आवाम के सामने भी आ गए, सर ये किस तरह हो सका, ये क्या लाया अमल रखा गया था? सर इसमें वही साहब, एक मुकदमात को ट्रेस करने का एक बाकायदा तरीकाकार है। इसमें मुलजमान के जो हैं शनाख्ती कार्ड हासिल किए जाते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स हासिल किए जाते हैं और उसके बाद ये टैली किया जाता है कि जहाँ जहाँ पे वारदात हुई है क्या मुलजमान की वहाँ पे मौजूदगी है। गो के टेलीफोन का डेटा या CDR एडमिजिबल एविडेंस नहीं है, लेकिन मुलजमान को गिरफ़्तार करने के लिए और उनको ट्रेस करने के लिए यही बेहतरीन एक तरीका है जिसके मुताबिक हमने अमद दरामद करके मुलजमान को गिरफ़्तार किया। जी बिल्कुल, जैसे कि SHO आज़म साहब ने बताया कि बहुत बड़ी रिकवरी कर ली गई है। SHO ने तफसील के साथ बताया कि RPO भावलपुर और DPO भावलपुर के अहकाम जारी होने के बाद डिजिटल तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें बरामद करवा ली गई हैं, जो लाखों रुपये मालियत की बहुत बड़ा एक गैंग है। भावलपुर से आपको फिर एक बार अपडेट दे रहे हैं कि पुलिस लाइन में एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई DPO भावलपुर और RPO भावलपुर की जानिब से। तफसील के साथ बताया SHO आज़म गलू साहब ने कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी एक रिकवरी की गई है, गैंग पकड़ा गया है, तो यहाँ पर पुलिस की बहुत अच्छी एक दबंग कार्रवाई है जिसके अंदर आवाम उन्नास को बहुत अच्छा एक रिलीफ मिला है। भावलपुर में एक बड़ी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी